Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था, इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इससे विवाह पंचमी कहते हैं। भगवान राम चेतना और माता सीता प्रकृति शक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए चेतना और प्रकृति का मिलन होने से यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और सीता माता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार विवाह पंचमी 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन विवाह से क्यों डरते हैं लोग? हालांकि कई जगहों पर स्थिति को विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता है। मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन लोग कन्याओं का विवाह करने से बचते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि भगवान राम से शादी के बाद ही माता सीता का जीवन दुखों से भर गया था, इसी वजह से लोग विवाह पंचमी के दिन विवाह करना उत्तम नहीं मानते हैं। विवाह के बाद सीता को भोगने पड़े थे दुख। प्रभु श्री राम के साथ सीता का विवाह होने के बाद उन्हें 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। राम ने विवाह के बाद ही सीता को एक के बाद एक मुश्किल पड़ाव से गुजरना पड़ा था। प्रभु श्री राम के त्यागने के बाद माता सीता को कभी पति का सुख नहीं मिला। हालांकि कुछ जगहों पर मान्यताएं अलग हैं। कहते हैं कि अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो विवाह पंचमी पर ऐसी समस्याएं दूर हो जाती है। मन चाहे विवाह का वरदान भी मिलता है, वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत भी हो जाता है। भगवान राम और माता सीता के संयुक्त रूप से उपासना करने से विवाह होने में आ रही बाधाओं का नाश होता है। बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। सुबह के वक्त स्नान करें और श्री राम विवाह का संकल्प लें। स्नान करके विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिकृति की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें, या तो इनके समक्ष बालकंड में विवाह प्रसंग का पाठ करें या ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करें, उनकी आरती करें। इसके बाद गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रख लें। श्री राम विवाह के दिन पीले वस्त्र धारण करें। तुलसी या चंदन की माला से मंत्र या दोहों का यथार्थ जाप करें। जाप करने के बाद शीघ्र विवाह किया जीवन की जो प्रार्थना करें, इनमें से किसी भी एक दोहे का जाप करना लाभकारी माना जाता है। पहला दोहा है, प्रमुदित मुनिनः भावरी फेरिम नेक सहित सब रीति निवेरिम राम सी सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाति विधि के ही। दूसरा दोहा है कि पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा हियम हर्षे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिबर उच्चरही जय 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 शंकर सुर करही। सुनु सिय सत्य ससीम हमारी पूजिह मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुति साचा सो बरु मिली हम जाहि मनु राचा। ये जाप करें सफल होगा। न्यूज रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.